यहाँ भनेको छ यो इक्वेसनको अलरेडी इक्वल रुट छ अरे। हाम्रो इक्वल रुटको कन्डिसन के हो? इक्वल रुट्सको कन्डिसन बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टु जिरो, यो हो। अब यही प्रुभ भयो भनेको छ, यो भेरिफाइड छ। एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस टू एक्स प्लस नाइन के इक्वल टु जिरो, यो इक्वेसन छ। यसलाई हामी के गर्छौँ? कम्पेयरिङ विथ एउटा इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टु जिरो, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वालिटी इक्वेसन हो। योसँग कम्पेयर गर्यो भने के आउँछ? एको भ्यालु वान आयो, बीको भ्यालु कति आयो? एक्स बाहेक सबै टू ब्राकेट के प्लस टू, यो आयो। सीको भ्यालु रिमेनिङ सबै नाइन के। अब हामी यो कुरा टेस्ट गर्छौँ, यहाँनिर इक्वल रुट छ भनेपछि बी स्क्वायर भनेको टू के प्लस टूको होल स्क्वायर माइनस हो एसी हो, एको भ्यालु वान छ, सीको भ्यालु नाइन के इक्वल टु जिरो, अर फोर इन्टु के प्लस टू स्क्वायर, यसलाई यतापट्टि ल्याइदियो भने कति हुन्छ? नाइन फोर जा थर्टी सिक्स के यस्तो आयो, अर फोर टाइम्स यसलाई होल स्क्वायरको फर्मुला हालौँ, ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु थर्टी सिक्स के, अर यो भनेको फोर के स्क्वायर प्लस फोर फोर जा सिक्सटिन के प्लस सिक्सटिन इक्वल्स टु थर्टी सिक्स के, अर यसलाई यता ल्याऊँ सिक्सटिन माइनस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी के प्लस सिक्सटिन इक्वल्स टु जिरो, यति आयो। अर यहाँबाट के कमन आउँछ? फोर कमन, बाँकी रह्यो के स्क्वायर माइनस फाइभ के प्लस फोर इक्वल टु जिरो, यो फोरलाई उता लगिदिउँ जिरो भयो, अर के स्क्वायर माइनस फाइभ के प्लस फोर इक्वल्स टु जिरो डिभाइड बाई फोर भनेको जिरो भयो। अब यसलाई मिडल टर्म स्प्लिटिङ मेथड युज गरौँ, अर के स्क्वायर माइनस फोर के माइनस के भनेको फाइभ के भयो, माइनस फोर माइनस वान भनेको फाइभ, अर यहाँबाट के कमन आयो, बाँकी रह्यो के माइनस फोर, यहाँबाट माइनस वान, यहाँ आयो के माइनस फोर इक्वल्स टु जिरो, अर के माइनस फोर ब्राकेट के माइनस वान इक्वल्स टु जिरो। अब के गर्छौँ हामी? आइदर अर आइदर के माइनस फोर इक्वल्स टु जिरो के इक्वल्स टु फोर, अर के माइनस वान इक्वल्स टु जिरो के इक्वल्स टु वान, देयरफोर रिक्वायर्ड भ्यालु अफ के इज फोर अर वान, कि त फोर कि त वान, सक्यो। अब अर्को क्वेसन छिटो छिटो, बाई बाई।